अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरी वीडियो को न्यू वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जे जे थॉमसन, जिसने 1897 में ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की और उसने क्या अपरेटस यूज़ किया और उसने किन टेक्निक को यूज़ करते हुए ई ओवर एम वैल्यू फाइंड की, उसको हम देखेंगे आज कि हम किस तरह से ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन किसने हमें दी? जे जे थॉमसन वाज द साइंटिस्ट हु गिव द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब उसने ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हमें? 1897 में। कि 1897 में उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया, उसका अपरेटस देखिए। कहते हैं द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, के आपके पास इसका जो अपरेटस है वो सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब पे मुश्तमिल है। मीन के आपके पास देखें, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया हमने, एक हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की है। हाई वोल्टेज बैटरी में टू इलेक्ट्रोड है, एक को हमने एनोड का नाम दिया जबकि सेकेंड को हमने कैथोड है। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद इसमें हमने यूज किया इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इस एनोड को हमने यहाँ पर प्लेट यूज किए, उसके साथ कनेक्ट किए, जबकि कैथोड एज इट इज डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एज अ इलेक्ट्रोड मौजूद है। जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा यहाँ से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने से यहाँ से क्या होगी, कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। जैसा कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा था, और हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो वो फ्लोरिसेंस से टकराएगी। फ्लोरिसेंस क्या है, स्क्रीन है, इसने क्या करना है, ब्लू पैदा करनी है। तो जब वो कैथोड रेज बिल्कुल ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में तो वो P1 पे फॉल करती है और यहां से हमें ब्राइट स्पॉट मिलते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P1 पॉइंट। और यहां पर आके क्या हो रहा है, कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, प्रोडक्शन ऑफ ब्राइट स्पॉट एट P1, कि हमने P1 पे ब्राइट स्पॉट को प्रोड्यूस करना है। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है, लेकिन जब हमने ब्राइट स्पॉट P1 प्रोड्यूस करवाना है तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होंगे। तो देखिए हमने लिखा है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्राइट स्पॉट एट P1 बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ऑफ, के दोनों ऑफ होंगे तो ही आपके पास वहां पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा, अदरवाइज ब्राइट स्पॉट वहां से प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कि हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहा के लगाया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किस तरह लगाया, कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, के अगर कैथोड रेज ऐसे जा रही है तो उसके ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने परपेंडिकुलर फॉर्म में लगाया है। परपेंडिकुलर फॉर्म मीन के कैथोड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है। अब प्लेन का और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, इट मीन्स कि कैथोड रेज क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सेकंड पे हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर मीन के कैथोड रेज ऐसे ट्रेवल कर रही है। यहां पर हमने क्या किया था, पॉजिटिव प्लेट अटैच की थी, पॉजिटिव प्लेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और अट्रैक्ट करने से वो जो कैथोड रेज है वो यहाँ इसकी तरफ बेंड हो जाती थी। तो ऐसे ही हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है। और यहां पर देखें हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सर्कल के फॉर्म में डिनोट किए और ये जो क्रॉस है ये बता रहे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेपर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहां पर टू इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए, ये कैथोड है और ये एनोड है, ये दोनों प्लेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। नेक्स्ट स्टेप, हमने दोनों कनेक्ट को कर दिए। अब हमने क्या करना है, अगर अकेला ही मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, मीन के मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन किया इट मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, वो ऑन नहीं है। तो हमारे पास जो कैथोड रेज है वो किस पॉइंट पे ब्राइट
लाइट स्पोर्ट देती है, गिव द ब्रट एट पी थ्री। तो देखिए हमने कहा कि ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो ब्राइट स्पॉट हमें मिल रहा है वो पॉइंट थ्री पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी कि उसको ऑन करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है। तो देखें द कैथोड रेज प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट एट पी टू, तो कैथोड रेज अब ब्राइट स्पॉट हमें दे रही है लेकिन किस पॉइंट पे दे रही है, P2 पे। तो P3 ब्राइट स्पॉट है जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और P2 वो ब्राइट स्पॉट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर देते तो फिर क्या होगा, अगर दोनों आप ऑन करते हैं तो आपने उनकी स्ट्रेंथ इस तरह एडजस्ट करनी है कि दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, कैंसिल कर दें। जब वो कैंसिल करेंगे तो वो कैथोड रे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में पी वन पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करेगी। इट मीन के हमें क्या पता चल गया कि कितनी स्ट्रेंथ रख रहे हैं कि जो कैथोड रे है वो बेंड नहीं हो रही, वो बिल्कुल स्ट्रेट P1 पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है। उस स्ट्रेंथ की बेस पे हमने क्या किया, फिर वैल्यू फाइंड कर ली E ओवर M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे, बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू आती है -1.75888 × 10⁻¹⁻ कूलम पर किलोग्राम। मीन कि अगर आपके पास एक किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1.75 × 10⁻¹⁻ कूलम, इतना पोटेंशियल वो जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें जे जे थॉम्सन ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अपने न्यू व्यूअर से यही उम्मीद करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।